धार्मिक मान्यता के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु नींद से जागते हैं। इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है। देव उठनी एकादशी से जुड़ी कई परंपराएं हैं। ऐसी ही एक परंपरा है तुलसी शालिग्राम विवाह की। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप माना जाता है। शिव महापुराण के अनुसार पुरातन समय में दैत्यों का राजा दंभ था। वो विष्णु का भक्त था। बहुत समय तक जब उसके यहां पुत्र नहीं हुआ तो उसने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र होने का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप दंभ के यहां पुत्र का जन्म हुआ। इसका नाम शंखचूड़ रखा गया। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तो उसने पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि तुम बद्री बन जाओ। वहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। ब्रह्मा जी के कहने पर शंखचूड़ बद्री बन गया। वहां तपस्या कर रही तुलसी को देखकर वो भी आकर्षित हो गया। तब भगवान ब्रह्मा वहां आए और उन्होंने शंखचूड़ को गांधर्व विधि से तुलसी से विवाह करने के लिए कहा। शंखचूड़ ने ऐसा ही किया। इस प्रकार शंखचूड़ व तुलसी सुखपूर्वक विहार करने लगे। शंखचूड़ बहुत वीर था। उसे वरदान था कि देवता भी उसे हरा नहीं पाएंगे। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गांधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके राज्य में सभी सुखी थे। वो सदैव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। स्वर्ग के हाथ से निकल जाने पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से निर्धारित है। ये जानकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वो देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, लेकिन शंखचूड़ ने कहा कि महादेव के साथ युद्ध किए बिना मैं देवताओं को राज्य नहीं लौटाऊंगा। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार होकर रणभूमि में आ गया। देखते ही देखते देवता और दानवों में घमासान युद्ध होने लगा। वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता हरा नहीं पा रहे थे। शंखचूड़ और देवताओं का युद्ध सैकड़ों सालों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध संभव नहीं होगा। भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वो कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। वहां जाकर शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने अपनी विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया और रमण भी किया। तुलसी का सतीत्व भंग होते ही भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। कुछ समय बाद तुलसी को ज्ञात हुआ कि ये मेरे स्वामी नहीं हैं,
तब भगवान अपने मूल स्वरूप में आ गए। अपने साथ छल हुआ जानकर शंखचूड़ की पत्नी रोने लगी। उसने कहा, आज आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट किया है और मेरे स्वामी को मार डाला है। आप मेरे श्राप से अब पाषाण होकर यानी पत्थर होकर पृथ्वी पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। धर्मालुजन तुलसी के पौधे और शालिग्राम शिला का विवाह कर पुण्य अर्जन करेंगे। इसीलिए परंपरा के अनुसार देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज से 4 महीने पूर्व यानी अषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवतागण विशेषकर भगवान विष्णु श्रीहरि शयन करने चले जाते हैं और आज ही के दिन यानी देवोत्थनी एकादशी के दिन वो जागते हैं और आज ही के दिन से शुभ और मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह मनाने की भी परंपरा है। इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह कि जो 4 महीने होते हैं ये चातुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। इनको साधारण भाषा में चौमासा कहा जाता है। इस समय भगवान सूर्य जो प्रत्यक्ष देवता हैं, हर युग में देव माने गए हैं, वो बादलों से अक्सर आच्छादित रहते हैं यानी पूर्ण रूपेण नहीं दिखते हैं। इसलिए 4 महीने को देव शयन के रूप में हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भी मान्यताएं हैं उनके पीछे तर्क है, विज्ञान है। तो आज ही के दिन से भगवान सूर्य को भी पूर्ण रूपेण से प्रकट मान लिया जाता है और देवताओं का जागरण मान लिया जाता है। आज ही के दिन से शुभ और मंगल कार्य संपादित किए जाने लगते हैं। तुलसी विवाह की बात करें तो तुलसी विवाह के लिए कुछ सावधानियां आपको रखनी है। आपका जो घर है, आपका जो आंगन है या जो आपकी छत है, जहां पर आपको तुलसी विवाह संपन्न कराना है, तुलसी के पौधे को उसके बीचों बीच रखना है, एक गमले में रखना है। गमले के ऊपर गन्ने के पेड़ से ईख का जो पौधा है उससे आपको एक मंडप तैयार करना है और गमले में ही भगवान शालिग्राम को भी स्थापित करना है। इसके बाद उनका जो विवाह की रस्म है उसको संपन्न करना है। संपूर्ण सौभाग्य सामग्री उसमें रखनी है, स्थापित करनी है। ध्यान ये रहे कि भगवान शालिग्राम को यहाँ चावल नहीं चढ़ाना है बल्कि तिल चढ़ाना है। और इसके बाद तुलसी की आरती करनी है, भगवान श्री हरि को जागने का निवेदन करना है, उठो देवा कहते हुए।